हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों क्या हाल सबका, करेंटली अपने शॉप पखांजूर में दोस्तों। और आज जो है हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है दोस्तों, असील रोप डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से। दोस्तों बहुत जगह से ऑर्डर आता है, कंटिन्यू ऑर्डर आ ही रहा है। अभी सीजन जैसे स्टार्ट हो गया है, उड़ीसा हो गया, फिर अपना वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, बहुत जगह जाता है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बल्क ऑर्डर है, ठीक है। हालांकि ऑर्डर तो 50-100 दोस्तों तो आता ही है, कंटिन्यू ये आ ही रहा है। तो आज का जो ऑर्डर है दोस्तों, थोड़ा बल्क ऑर्डर है। एक अपना जो वेस्ट बंगाल के भाई है, उनका ऑर्डर 600 पीस रस्सी का ऑर्डर है दोस्तों, 600 पीस, साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स का भी ऑर्डर है दोस्तों। तो हम यहाँ पे टोटल दो पार्सल बनाएंगे क्योंकि एक पार्सल जो होता है दोस्तों 20 किलो से ऊपर हम नहीं बना सकते, नहीं तो फिर वो पोस्ट नहीं होगा। तो ये जो है कम से कम 30-35 किलो तक का पार्सल बनेगा, तो इस वजह से दोस्तों हमको दो पार्सल में इसको पैक करना होगा। तो अभी चले फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर है ये अपना जो 25 रुपीज होलसेल प्राइस है दोस्तों, ये अपना 500 पीस का ऑर्डर है। और इसी में दोस्तों थोड़ा ये जो वैरायटी है इसमें ये छल्ला के साथ ये ऑर्डर से बनवाया गया है, ठीक है। ये 100 पीस का ऑर्डर है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पैराशूट रस्सी 4mm 5mm का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो अपना छल्ला है, छल्ला भी है यहाँ पे, एक एक पैकेट ये रॉ मटेरियल में जा रहा है। और अपना जो है असील बैग, इसको भी पैक करना रहेगा। तो यहाँ पे टोटल मैं दोस्तों दो पार्सल इसका बना लूँगा ताकि हमको कैरी करने में भी इजी हो और पोस्ट ऑफिस में जा करके दिक्कत भी ना हो दोस्तों। अभी चले फ्रेंड्स, इसको फिर पैक कर लेते हैं। यहाँ पे दो कार्टून बॉक्स मैंने ला लिया है, अभी इसको देखते थोड़ा अच्छे से पैक होना चाहिए। दोनों पार्सल को अच्छे से पैक कर लेता हूँ, उसके बाद तो आप लोगों को शो करता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप भी समझते हो। बाकी दोस्तों मैं इसको अच्छे से दोनों को पैक कर लेता हूँ मेजर करके, क्योंकि 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों हमारा जो है एक पार्सल पैक हो गया है, ये ओनर का डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हो। और इसका जो वजन बना है 19 किलो 672 ग्राम, ठीक है। एक ये पार्सल हो गया। अभी ये जो रिमेनिंग जो हमारा बचा हुआ आइटम है, इसको हम दूसरे वाले बॉक्स में पैक कर लेंगे। हमारा सेकेंड पार्सल है और इसका वेट 18 किलो 994 ग्राम, ये आप देख सकते हो। तो दोनों पार्सल एक ही लोकेशन के लिए जा रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा थक गया दोस्तों, यहाँ पे आप पसीना देख ही सकते हो। बहुत मेहनत होता है यार पैक करना, इतना इजी नहीं होता है, बड़ा पार्सल है ना। और पैक भी अच्छे तरीके से करना होता है ताकि डैमेज ना हो रास्ते में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है दोस्तों पैक करते टाइम। और बहुत हेवी साइज का है, इस वजह से दोस्तों बिल्कुल पसीना हो गया है दोस्तों। अकेला नहीं जाएगा, इस वजह से मुझे पकड़ के बैठना पड़ रहा है, स्कूटी में लेके जा रहे हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी बड़ा पार्सल है, ठीक है। अभी चलते दोस्तों पोस्ट ऑफिस। तो पखांजूर का हमारा डाकघर है और हमारे जो डाकघर में मैं करेंटली पहुँच गया हूँ, ये हमारा दोनों पार्सल है। अभी चलते दोस्तों अंदर। अंदर का मैं ज़्यादा कुछ बात तो वहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आपको वीडियो में थोड़ा शो करूँगा दोस्तों। अभी चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी भी जस्ट मैं यार घर पहुंचा, बहुत ज़्यादा थक गया यार, बहुत ज़्यादा भीड़ था पोस्ट ऑफिस में।